तरफ देश कोरोना जैसी महामारी के संकट से जूझ रहा है। देश के प्रधानमंत्री व यूपी के मुख्यमंत्री लोगों से घर से ना निकलने की अपील कर रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह मुस्तैद होकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों पर अब भी इसका असर होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोग किसी न किसी बहाने से घर से निकल रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं जनपद लखीमपुर के धौरहरा अंतर्गत मुरवन पूर्वा चौकी, जहां से यूपी के दो जनपद लखीमपुर खीरी व बहराइच का बॉर्डर लगता है। यहां लोग अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए बेहिचक आ जा रहे हैं, और अगर पुलिस द्वारा इनको रोका जाता है तो ये लोग कोई ना कोई गंभीर बहाना बनाते हैं। आइए मिलाते हैं ऐसे बहानेबाज लोगों से। कहाँ जा रहे हैं? बूढ़ो बाबा क्या करने जा रहे हैं? मुंडन करा रहे हैं। जहाँ एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस जैसी समस्या के ऊपर विचार कर रहा है, वहाँ आप देश की समस्याओं को किनारे करके देश की बीमारी को खिलाफ आप जो है मुंडन कराने जा रहे हैं। क्या ये देश हित में आप कार्य कर रहे हैं? ये मजबूरी है, मुंडन में जाना एक मजबूरी है। आप अपने साथ इन छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं, अपनी बहन बहन भी जिसको भी लेके जा रहे हैं, क्या आप उनके साथ में खिलवाड़ करना चाहते हैं? तो क्या चाहते हैं? ये पुलिस जो आपको लॉकडाउन के लिए प्रेरित कर रही है, जो सरकार जो लॉकडाउन के लिए कह रही है, उसके लिए आपने यही सोचा है कि हम लॉकडाउन का नियम नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, तो आपने कैसे सोच लिया कोरोना जैसी लड़ाई को जीतने के बजाय आपने ये कैसे सोच लिया कि हमें लॉकडाउन तोड़ के बाहर निकलना है? क्या सोच रहे आप इस समय? क्या सोच रहे हैं आप? लोग बाबा जाना पसंद करेंगे कि घर जाना पसंद करेंगे? आप उनकी क्या राय है? नहीं तो आप बुढ़ो बाबा जाने के लिए निकली थी, तब आपने नहीं सोचा था लॉकडाउन क्या है? तब आप कोशिश करिए, घर जाइए, आराम करिए, लोगों को भी बताइए कि घर से बाहर ना निकले, जरूरत के लिए निकले बस, ठीक है? कोरोना वायरस जैसी बीमारी को खिलवाड़ समझ रखे हैं, तो आखिर आपने ऐसा क्यों किया? नियम तोड़ने की जरूरत कहाँ से आन पड़ी आपको? आप कहाँ से होके आ रहे हैं? आप सरजू पे गए थे, आप सरजू से होके आए। इनकेस अगर कोई कोरोना वायरस वाला मरीज आपके बगल से निकल गया और वायरस आपको आगे पूरे क्षेत्र में फैलेगा कि नहीं फैलेगा ये बताइए, तो क्या चाहते हैं कि देश इटली जैसी स्थिति में पहुंच जाए जहां पे लाशें पड़ी हुई हैं, गिरने वाला कोई नहीं? तो आखिर ऐसा क्यों निर्णय लिया आपने? क्या सोच के आप गए? अब तो आप जाहिर है, लेकिन आपने पहले जो सोचा उसके लिए आपने क्या? आइंदा इस प्रकार से कोशिश करें कि कहीं निकलने की वो न करें। कहाँ से आ रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? रामेश शर्मा। आपको मालूम है लॉकडाउन मालूम है, लेकिन अच्छा इस समय जो है इमरजेंसी सेवा क्या क्या चल रही है क्या आपको मालूम है? इमरजेंसी सेवा आपको नहीं मालूम है? केवल मेडिकल इमरजेंसी, बैंक के काम से जाना अलाउ है, ठीक है? और एक गाड़ी पे केवल दो लोग अलाउ हैं, आप चार पांच लोग जा रहे हैं, आप लोगों को कुछ नहीं, आप लोगों को कोरोना का भय नहीं है? आप देश के प्रति सजग हैं? कितना सजग हैं आप? सजग जरूर हो चुका है। ज़रूरत की बात, आप ये ज़रूरत मेडिकल इमरजेंसी थी आपकी? कौन सी इमरजेंसी ऐसी थी जिसके कारण आपको लॉकडाउन तोड़ के निकलना पड़ा? मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करना, मोदी सरकार के आदेशों का पालन करना, यह आपके हित में नहीं है? आप जनता से अलग हटके रखने थे क्या? रामपुर दुबिया से आप लखीमपुर आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि कोरोना वायरस के चलते जो मुख्यमंत्री जी का आदेश चल रहा है, जो लॉकडाउन चल रहा है, क्या उसको तोड़ना आपको अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कोई विशेष इमरजेंसी होती है तो जाना पड़ता है। क्या विशेष इमरजेंसी है? चलो यार वाली बात नहीं, आप बताइए ना, ऐसी कौन सी ऐसी बात है? बताइए तो ऐसी क्या बात है? आप बताइए तो ऐसी क्या बात है? आप किसी के साथ में ऐसा नहीं कर सकते, आप कोरोना को खेल समझ रखे नहीं, तो आप इस तरह से गेट बंद करके कैसे जा रहे हैं? नहीं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? आप सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, तो क्या? जब लॉकडाउन चल रहा है, एक गाड़ी तो केवल दो लोग सवार होने चाहिए, तो आप चार पांच लोग जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम लोग अब जरूरत थी इसलिए जाना पड़ा। जरूरत थी तो आप सरकार के आदेशों का नियम पालन करते हैं। ऐसा नहीं था कि हम लोग कोई विदेश जा रहे थे। विदेश? आप बहराइच से लखीमपुर बॉर्डर क्रॉस करके आगे, इससे बड़ी बात क्या होगी? यूपी में आए थे। यूपी में आए थे जब यहाँ पे लखीमपुर में लॉकडाउन चल रहा है, तो आप कैसे आगे यही तो हम पूछना चाह रहे हैं?
क्या आप कोरोना को एक हल्की बीमारी का जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? गाड़ी का चालान कट गया, गाड़ी का चालान कटवा के आपने देश में काम कर लिया, उल्लंघन किया, तो इसीलिए तो चालान कटा है और कोई वजह थोड़ा सी। कोशिश करिएगा कि अंदर इस प्रकार का उल्लंघन ना करें। नानपारा से आप लखीमपुर में जहाँ पे लॉकडाउन चला है वहाँ पे आप इस तरह से भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इसका कारण क्या है? आप एक चीज़ ये बताइए, जिस तरह की बीमारी कोरोना वायरस इस समय चल रही है, क्या उस बीमारी से बढ़ के भी कोई चीज चल रही है? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ का वायरस या वहाँ का वायरस हमारे एरिया में फैले, लखीमपुर में फैले, लखीमपुर से पूरे देश में फैले? क्या आप इसीलिए जैसे देश में जो हाहाकार चल रहा है उस हाहाकार को आप हमारे लखीमपुर में हमारे देश में करना चाहते हैं? क्या आप इतनी जैसी स्थिति हमारे देश में देखना चाहते हैं? लखीमपुर के लॉकडाउन की सूचना दिल्ली सरकार ने भी दे चुकी है, पूरी सरकार दे रही है, एक एक ट्रस्टी को के पेपर में निकल रहा है, हर जगह निकल रहा है, लेकिन आपको इस चीज़ की सूचना नहीं दी है, कैसे मान लिया जाए? आपने पेपर नहीं पढ़ा, आप टीवी नहीं देखते, आप मोबाइल व्हाट्सएप मोबाइल है आपके पास, आपके पास टच का मोबाइल है, आप क्या देखते हैं मोबाइल में? आज आपके पास नेट नहीं है, टीवी में इसके यहाँ नॉर्मल डिश भी नहीं लगा है, नॉर्मल दूरदर्शन के समाचारों में ये चीज़ आ रही है, FM पे ये चीज़ सुनाई दे रही है कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आपको लॉकडाउन की सूचना नहीं थी, ये कैसे मान लिया जाए? वैसे ये बताइए, एक सॉरी कहने से क्या आप कोरोना जैसी जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, क्या उनको आप इस तरह से भ्रमित कर देना चाहते हैं? आइंदा इस प्रकार जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार और योगी सरकार के लॉकडाउन होने के बावजूद, जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन किया गया है, उसके बावजूद भी जनता ना पुलिस का सपोर्ट कर रही है, ना कि देश की जनता का सपोर्ट कर रही है कि कोरोना जैसे वायरस के लिए जो लड़ाई की जा रही है उसको जीतना है, लेकिन भारत को क्या ये लखीमपुर की जनता जिताएगी? ऐसा हमें नहीं लग रहा है। कोरोना के वायरस को लेकर देश में तरह तरह की भ्रांतियाँ व्याप्त हैं, तरह तरह के हैं लोग एक दूसरे से न छुए श्रृंखला तोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लखीमपुर की जनता किसी भी प्रकार से इसमें पुलिस का कोई सहयोग देने की कोशिश नहीं कर रही है, सरकार का सहयोग देने की कोशिश नहीं कर रही है। क्या इस तरह से कोरोना वायरस दूर हो पाएगा?